क्या आप जानते हैं हमारे आसपास जो पशु घूमते रहते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी घूमते रहते हैं। आप जानते हैं कि वो क्यों घूमते हैं? प्रकृति ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, साथ साथ उनको भी भेजा है। आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा, जहाँ पे इंसानों का वास होता है, इंसान जहाँ पे रहता है, उसके आसपास ही पशु दिखाई देते हैं। कहीं दूर दार इलाके में जाके देखिएगा, वहाँ पे कोई पशु नहीं मिलेगा आपको। जहाँ पे इंसान रहते होंगे, उनके आसपास ही मिलेंगे। मैं आपको ये चीज़ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि प्रकृति ने जब दोनों को इस पृथ्वी पे भेजा है, वे हम पे निर्भर हैं, वे पशु हम पे ही निर्भर हैं। उनको हमें ही खाना खिलाना चाहिए, या जो कुछ भी खाते हैं उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो बना के खा नहीं सकते। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो भूखा ना मरे, हम उसको कुछ न कुछ खिला दें। अगर उसको प्यास लगी है तो हम कहीं न कहीं से पानी का इंतजाम कर दें, हम तालाब बना दें या पोखरा बना दें, और उसमें पानी डाल के हम उनको पिला सकते हैं। साथियों, कोई भी पशु, मैं एक जगह जा रहा था और वहां पे मैंने देखा एक हाथी मरा हुआ था। इतना मोटी हाथी थी, इतना भारी भरकम हाथी थी, लेकिन वो प्यासे मर चुकी थी। साथियों, मैंने वहां देखा तमाम पशु उसे नोच के खा रहे थे, क्योंकि उनको भी भूख लगी थी और वो अपनी भूख को शांति करने के लिए उस पशु को नोच नोच के खा रहे थे। एक चीज मेरे दिमाग में आया, यहां पे तो पानी के कोई सहारा है नहीं, कोई साधन है नहीं, कहीं ना कहीं से इनको पानी की आवश्यकता है। और मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि कहीं भी आप हो, कहीं से भी आप मेरे को सुन रहे हो या देख रहे हो, प्लीज आप किसी भी जानवर को मत मारिएगा और उसको हो सके तो कुछ खिला दीजिएगा, कुछ पिला दीजिएगा, ताकि वो सुखी से इस पृथ्वी पे रह सके। क्योंकि काल तो हमारे आसपास 24 घंटे, हर सेकंड, हर पल मंडराता रहता है, कब कौन उठ जाए ये तो हमें पता नहीं। तो क्यों ना कुछ अच्छा कर दें, कुछ अच्छा सोच दें, कुछ अच्छा खिला दें, ताकि किसी की जीवन मरने से कुछ दिन के लिए इस पृथ्वी पर बच जाए। साथियों, ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई हो, प्लीज लाइक कीजिएगा। नहीं पसंद आई हो, डिसलाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अगली कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।